हेलो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है फाइंड ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू की माइनस वाई माइनस वन गिवन दैट y इक्वल एंड x इक्वल हमें क्या करना है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है जब वाई इक्वल टू जीरो हो और वेन एक्स इक्वल टू जीरो वाई और जीरो एक्स और जीरो पे हमें इस इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है बच्चों तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से हमें इक्वेशन दे रखी है एक्स प्लस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू की पावर माइनस वाई माइनस वन वाई वाली टर्म को अलग कर लो एक्स वाली टर्म को अलग कर लो तो यहां पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन डीवाई बाई टू की पावर माइनस वाई माइनस वन ये नीचे आ गया ये dx ऊपर चला जाएगा और अपोन में क्या आ जाएगा x प्लस वन इसका इंटीग्रेशन इसको सिंप्लीफाई करना है अब बच्चों देखो ध्यान से अगर मैं इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करता हूं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा यहां पे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e की पावर वाई e की पावर से y से क्या कर लिया हमने न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा ऊपर e की पावर y डी वाई नीचे भी e की पावर y से करेंगे तो टू माइनस में e की पावर y हो जाएगा देखो कैसे हुआ नीचे वाली टर्म में टू ई की माइनस वाई माइनस वन था इसको अगर मैं e की पावर y से मल्टीप्लाई करूंगा करो भाई तो क्या हो गया टू ई की पावर माइनस वाई इंटू की पावर y माइनस में वन से करेंगे तो e की पावर y तो क्या हो गया टू इंटू की पावर माइनस वाई प्लस वाई जीरो माइनस में ई की पावर वाई ये ई की पावर जीरो मल्टीप्लाई वन वन टू माइनस ई की पावर वाई हो गया या नहीं यही लिखा है हमने टू इंटीग्रेशन एकस एकस प्लस वन। यहां से माइनस कॉमन ले लो माइनस कॉमन ले लिया क्या आ गया ई की पावर वाई डी वाई अपो उनमें ई की पावर वाई माइनस टू हो जाएगा पॉजिटिव टर्म नेगेटिव हो जाएगी नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी कॉमन ले लिया क्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बायस वन इस माइनस साइन को इधर ले जाओ यहां से हटके ये इधर आ गया तो क्या बन गया हमारे पास नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव. इसका डेरिवेटिव करेंगे की माइनस टू का जीरो हो जाएगा तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव तो इसको इंटीग्रेशन क्या हो गया log ऑफ e की पावर वाई माइनस टू इज इक्वल टू यहां पर माइनस में लॉग ऑफ एक्स प्लस वन और प्लस में क्या हो जाएगा लोग सी क्योंकि लोगेतम फंक्शन है तो इसलिए कॉन्स्टेंट को भी हमने लोग ले लिया आगे सिंप्लीफाई करो इसको तो ये किसके इक्वल आ जाएगा मेरा लॉग ऑफ मोड e की पावर y माइनस टू इक्वल टू यहां पे लॉग एम माइनस लॉग एम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ c बाय एक्स प्लस वन लोग से लॉग कैंसिल आउट तो हमारे पास फाइनली क्या आया हमारे पास आ गया e की पावर y माइनस टू इक्वल टू सी बाय एक्स प्लस वन और हमें किस पे पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है एट एक्स इक्वल टू जीरो जीरो प्लस वन यहां पे ई की, तो e की पावर जीरो e क्या हो गया वन माइनस टू इक्वल टू सी बाई वन तो यहां पे माइनस वन इक्वल टू सी बाई वन और c की वैल्यू क्या आ गई आपके पास माइनस वन आ गई पुट कर दो यहाँ पे सॉल्यूशन में तो सॉल्यूशन क्या हो गया मेरे पास यहां पे E की पावर वाई माइनस टू इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स प्लस वन यही बनाया नहीं बना माइनस टू को इस तरफ ले जाओ इ e की पावर वाई इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स प्लस वन और प्लस में टू सिंप्लीफाई करो ई e की पावर वाई इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन में एक्स प्लस वन और टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में टू एक्स और प्लस में टू तो क्या हुआ ए e की पावर वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन टू में से वन गया वन अपॉन में एक्स प्लस वन या फिर हम वाई की वैल्यू अगर यहां पे फाइंड आउट करें तो वाई इज इक्वल टू उस तरफ जाके क्या हो जाएगा लॉग ऑफ टू एक्स प्लस वन में एक्स प्लस वन यहां पर एलसीएम लिया था मैंने कहीं घबरा जाओ कैसे कर दिया सर तो ये हमारे पास क्या आ गया फाइनल सोल्यूशन आ गया पर्टिकुलर सोल्यूशन समझ में आ गया क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कोई भी प्रॉब्लम लगे आप मुझसे पूछ सकते हैं अदरवाइज नेक्सा क्लासेज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और क्लास एट्थ नाइन टेंथ इलेवंथ के बच्चों को भी प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है जरूर बताइए थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड फॉर नेक्सा क्लासेज थैंक्स